वसई हिट एंड रन मामले में आरोपी की हुई पहचान, दर्ज हुआ मामला, हुई गिरफ्तारी। वसई में सोमवार सुबह लगभग 7 बजे के आसपास हुए हिट एंड रन मामले में फरार कार चालक की पहचान हो चुकी है और मामले के 36 घंटे बाद वाले पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि वसई के फादरवाड़ी में एक तेज रफ्तार इनोवा ने बाइक पर सवार दो युवकों को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद वर्तमान समय में वह अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। घटना के 36 घंटे बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान करते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338 व अन्य के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला और फिर अपने मुखबिरों को एक्टिव कर व्हाइट इनोवा कार के नंबर का पता लगाया, जिसके बाद पुलिस को जानकारी मिली कि इस हिट एंड रन मामले में शामिल इनोवा कार का नंबर MH48CZ2007 है और यह कार बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता व नाला सुपारा वसई विरार के भू माफिया हरिओम श्रीवास्तव की है। जिसके बाद जब पुलिस द्वारा हरिओम श्रीवास्तव से पूछताछ की गई तो इस बात का खुलासा हुआ कि हादसे वाले दिन गाड़ी उनका भाई चला रहा था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार किया। मिली जानकारी अनुसार आरोपी का नाम अर्जुन श्रीवास्तव है। आरोपी पर मामला दर्ज होने के बाद वर्तमान समय में अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हादसे के बाद आरोपी द्वारा 4-चक्का वाहन को तुरंत सर्विस सेंटर भेज दिया गया था। फिलहाल यह आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आइए देखिए इस पूरे मामले में पुलिस ने हमें क्या कुछ जानकारी दी। वाली पुलिस स्टेशन के तहत फादरवाड़ी यहाँ पे 10 तारीख को एक इनोवा ने एक्टिवा को ठोकर मारी थी। एक्टिवा के ऊपर के दोनों लोग इंजर्ड हो गए थे, उन्हें मीरा रोड के यहाँ के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। तो उनके कंप्लेंट के ऊपर वाली पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल है। यहाँ इस मामले के सीसीटीवी हमारे पास थे, लेकिन ये किसने किया गाड़ी का नंबर नहीं था। हमने उस रूट के सभी सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद हमें आरोपी निष्पन्न हुआ है, गाड़ी का नंबर निष्पन्न हुआ है और ये जो इसमें आरोपी था उसको हमने अरेस्ट किया है और इसको हम पुलिस रिमांड में लिए हैं, कोर्ट के सामने पेश करेंगे। इस मामले में आगे की तहकीकात चालू है। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।